कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 इसका हम छठा प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग कितना। तो आइए देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ। किसी एपी का प्रथम पद यानी कि ए और अंतिम पद यानी कि ए एन। प्रथम पद है क्रमशः 17, क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा वो पहले और जो बाद में लिखा वो बाद में। इसमें प्रथम पद पहले लिखा था तो जो सारा संख्या लिखी है वो प्रथम पद है और जो अंतिम पद है वह है 350। इसके साथ ही यदि सार्व अंतर यानी कि डी दिया हुआ है 9, हमें निकालना क्या है इसमें कितने पद है यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है और दूसरा इसका योग निकालना है यानी कि एस एन हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले हमें ए एन का फार्मूला दिया हुआ है तो ए एन यह बराबर होगा 350 के, या आप इसका फार्मूला लिख लीजिए ए प्लस एफ माइनस वन इंटू डी के। ए एन किसके बराबर दिया है 350 के बराबर। ए कितने के बराबर है 17 प्लस एन हमें नहीं पता एन माइनस वन इंटू डी डी है 9। तो ये है 350। 17 इधर इसके साथ प्लस हो रहा है जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये बच गया एन माइनस वन गुना 9। 350 में से यदि हम 350 में से यदि हम 17 माइनस कर दें तो ये आ जाता है 333 बराबर 9 माइनस एन माइनस वन। 9 इसके साथ गुना हो रहा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। देखिए 9 दिया 27, 33 में से 27 गए 6 और 3 63, 9 7 63 तो हमारे पास आ गया 37 बराबर एन माइनस वन। यहां से 37 1 इधर माइनस हो रहा है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर एन। इसका मतलब एन किसके बराबर आ गया 37 प्लस 1 38 के बराबर। 37 प्लस 1 38 के बराबर हमारा एन आ गया है। अब हमें निकालना है एसएन, तो ये बहुत आसान है, हमें सिर्फ एसएन का फार्मूला लगाना है। एसएन का फार्मूला होता है एन बटा 2 गुना 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना आया है 38 बटा 2 गुना 2 गुना a कितना आया है 17 प्लस एन। एन कितना है 38 माइनस 1 गुना डी, डी कितना है। इसे हम हल करेंगे और हमारे पास जो है एसएन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 को 38 से काट सकते हैं 19 गुना 38 तो ये आ गया 19 गुना यहाँ पर है 17 गुनी 34 प्लस 38 में से एक निकालें 37 उसको हम 9 से गुना करें 9 7 63 हासिल आया 6 9 3 27 और 6 तो ये आ गया 333। ठीक है 19 गुना 333 में 34 प्लस कर दो तो ये हो गया 367। 367 को अब हमने 19 से गुना करना है। देखिए 367 इसको 19 से हम गुना कर देते हैं 9 7 63 हासिल आया 6 9 6 के 54 और 6 60 हासिल आया 6 9 3 27 और 6 33 गुना 367। ठीक है ये आ गया 3 ये आ गया 7 6 और 3 9 3 और 3 6 तो हमारे पास ये आ गया 6973 और ये क्या है। तो हमें इस प्रश्न में दो चीजें निकालनी थी पदों की संख्या और एसएन। तो पदों की संख्या है 38 तो हम यहां लिख सकते हैं इसके नीचे पदों की संख्या यानी कि एन ये बराबर आ जाना है 38 के और पदों का योग यानी कि एसएन ये बराबर आया है 6973 के। तो ये इस प्रश्न का हल है।